हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको वेज कटलेट की रेसिपी बताऊंगी जो कि बनाने में बहुत ही इजी है। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया था और इसमें हम डालेंगे अभी जीरा, साबुत जीरा, और इसको भून लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जीरा भून जाता है, हम डालेंगे इसमें एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का कट कर लिया था और साथ ही साथ हरी मिर्च 2 काटी हुई है मैंने, और इनको भी इसके साथ में भून लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी मिर्च और अदरक भुन गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा, मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिया था और साथ ही साथ यहाँ पे कैप्सिकम मैंने एक छोटी कट करी थी, और यहाँ पे मैंने गाजर कट करी थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी कट करा था, साथ ही साथ इसमें मटर के दाने डाल दूंगी थोड़े से, और अब इनको भून लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। अब मटर को थोड़ा पकाने के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारी मटर थोड़ी पक गई है, तो हम इसमें ये बॉयल आलू, मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू उबाल लिए थे और उबाल के उसको ठंडा कर लिया, तो मैश करके हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको इसके साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आलू भून गया, अब हम डालेंगे इसमें मसाले। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें इसमें। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1/2 चम्मच, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे इसमें आमचूर। आप चाहो तो इसमें चाट मसाले भी ऐड कर सकते हो। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारा मसाला हो गया रेडी, अब इसको यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाला ठंडा करने के लिए निकाल लिया, और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आलू का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसको कोई भी शेप दे देंगे, चाहे आप टिक्की की गोल शेप दे दें या फिर आप कोई भी इसको कटलेट की शेप दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको इस तरीके की शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कोई भी शेप दे सकते हैं या फिर सर्कल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये शेप में रेडी कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स का चूरा कर लिया था मिक्सी में, और यहाँ पे मैंने मैदे की स्लरी बना ली है। इसमें मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले थे और थोड़ा सा नमक। तो अब हम पहले अपनी ये उठाएंगे कटलेट और इसमें डिप करेंगे, और फिर इसको कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में इस तरीके से डिप करेंगे, चारों तरफ से इसको कोट कर देंगे। और आप चाहो तो इसको एक बार और डाल सकते हो इसके अंदर, स्लरी के अंदर, और फिर एक बार और कोट कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 बार की कोटिंग दे दी है ब्रेड क्रम्स से और स्लरी में। तो अब हम इसको सारी जितनी भी कटलेट्स हैं वो सारी इसी तरीके से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी कटलेट रेडी कर लिया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तेल को बहुत तेज गर्म कर लिया अच्छे से, और अब हम इसमें, हमने फ्रीजर से निकाल लिया, अब हम इसमें फुल गैस पर ही डालेंगे क्योंकि अंदर की फिल्म्स हमारी वैसी पकी हुई है। तो एक एक करके सावधानी से डाल देंगे और इनको ब्राउन होने तक इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अच्छे से पक रहे हैं और ये फुल फ्लेम में आपको अच्छे से डीप फ्राई करना है, इनको अलट पलट करके अच्छे से ब्राउन होने तक चारों तरफ से पका लीजिए आप इनको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अच्छे से पक गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और अब इसमें दूसरा बैच डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हुआ है, और इसी तरीके से हम इन सबको पका लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे अच्छे से ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे ये हमारे सारे कटलेट फ्राई होकर रेडी हो गए हैं, अब हम इसके प्लेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे कटलेट बनके बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही क्रिस्प बने हुए हैं, और अंदर से पूरी फिलिंग पकी हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वेज कटलेट की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।